अरे गाड़ी तो करो 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 बस करो गाड़ी सीट की दे आज भर सर रिक्वेस्ट है सर नहीं स्टॉपिंग सब तोड़ेगा अच्छा क्या करेंगे सर जा रहे हम लोग जा रहे नहीं तोड़ रहे नहीं कौन बोल रहा है ठीक कर रहा है हम लोग अपील कर रहे हैं बार बार कि अपना घरों में रहें सुरक्षित रहें और ये आश्वस्त नहीं हो कि बीमारी आपके आसपास नहीं है ये सोच करके बाहर ऐसे नहीं निकलें। सरकार जो निर्णय ली है उसका पालन करें और सरकार का जो निर्देश है वो पालन करें। सरकार का निर्णय और निर्देश का पालन करके ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस बीमारी से आप उनके घर तक नहीं जाएगी, बाहर आएंगे तो बीमारी के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर बीमारी लेकर घर जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप घर में रहें और जो बाइक वगैरह से बेवजह निकल रहे हैं उनको हम लोग जब्त कर रहे हैं और जब्त करके और उन पर फाइन वगैरह करने की कार्रवाई। लोगों की सुविधा के लिए हम लोग जगह जगह पर सब्जी वगैरह के लिए मार्केट लगा रहे हैं, उनके घर तक जा रही सब्जी और दुकान वगैरह भी उनके नज़दीक में है तो इसीलिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं लोगों से अपने नज़दीक की दुकान से सामान खरीदें, सब्जी वगैरह अपने घर के पास खरीदें, बाहर घूमने के लिए नहीं जाएँ। जो लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं या बाहर सब्जी वब्जी खरीदने के लिए दूर से दूर जा रहे हैं उनसे संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है तो इसीलिए हम लोग उनके घर तक सुविधा उपलब्ध कराएं तो उसका आप लोग उपभोग करें, उसका यूज़ करें और बाहर ना। लॉकडाउन का पालन पहले जो आदेश हुआ है कि दोपहिया और चौपहिया वाहन के पूर्णतः रोक लगाने की बात, तो यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिसको बहुत ज़रूरी है वो जाए, अन्यथा जो अनावश्यक रूप से गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं उसके पूर्व हम लोग जब्त कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि जितना धैर्य लोहरदगा के वासियों के द्वारा अब तक दिखाया गया है और हम लोग अभी तक कोरोना के खिलाफ युद्ध में काफ़ी सफल रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने का अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें और कोरोना को हराएं।